हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे शिक्षा के साधनों के बारे में। तो शिक्षा के साधन कौन होते हैं जिनके द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के साधनों को दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक, जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे अपनी क्लास में। शिक्षा के साधन किसको कहते हैं? तो व्यापक अर्थ में अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा संपूर्ण वातावरण व्यक्ति की शिक्षा का साधन है। जिस एटमॉस्फेयर में व्यक्ति रहता है वहाँ से वो कुछ ना कुछ ग्रहण करता है, वो सब क्या उसकी शिक्षा के साधन हो जाते हैं। इस वातावरण में कुछ तत्व क्या होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ कौन होते हैं। जैसे हमने कल बताया था आपको कि शिक्षा क्या होता है। जब हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो कुछ शिक्षा हम सामने से लेते हैं और कुछ पर्दे के पीछे से भी ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ गौण होते हैं। जैसे घर, परिवार, व्यवसाय, वरा, प्रस, ये सब क्या है, शिक्षा के साधनों के रूप में ही हम इस्तेमाल इनका करते हैं। बीडी भाटिया ने कहा है, समाज में शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है, इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन कहा जाता है। यानी कि शिक्षा के कार्य, जो शिक्षा को बांटना है उसके लिए कुछ संस्थाओं का समाज ने निर्माण किया है। जैसे विद्यालय है, आपका प्रेस है, इनसे क्या होता है, शिक्षा को हम इनके द्वारा ग्रहण करते हैं। शिक्षा के साधनों की वर्गीकरण, तो शिक्षा के साधनों को अगर मुख्यतः बात करें तो दो ही भागों में बांटा गया है। एक साधन इसका और है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। तो शिक्षा के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन। औपचारिक साधन कौन से होते हैं? औपचारिक साधन वो होते हैं जो एक निश्चित समय में निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा पूरे किए जाते हैं। जैसे हमारी विद्यालय शिक्षा जिसको हमने संकुचित अर्थ में पढ़ा था, औपचारिक साधन। औपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसको बालक किसी कार्यक्रम के अनुसार नियंत्रित वातावरण में रहते हुए किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम, ज्ञान को निश्चित शिक्षण पद्धति के द्वारा निश्चित स्थान पर निश्चित समय में समाप्त करके, अर्थात उस परीक्षा दे करके उपाधि ग्रहण कर लेता है, वो हमारी क्या होती है, औपचारिक शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा को एक प्रकार से कहें तो ये कैसी होती है, कृत्रिम होती है। यानी जो इसका एटमॉस्फेयर बनाया जाता है वो सब कृत्रिमता पर आधारित होता है। जैसे विद्यालय में हम जाते हैं, उसका एक निश्चित समय निश्चित होता है कि इस टाइम में हमको जाना है और इतने समय में इतना पाठ्यक्रम पूरा करना है। विद्यालय में क्या होता है कि बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जितना कैरिकुलम निश्चित किया गया है उतना उसको एक समय में हमको पूरा करवाना है, चाहे उसके लिए हमको एक्स्ट्रा समय देना पड़े या अपने उसी समय में करना पड़े। इस प्रकार इसके समस्त साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ऐसी शिक्षा को प्रदान करने का मुख्य साधन क्या है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, चित्र भवन है, पुस्तकें आदि ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का प्रमुख साधन होते हैं। जॉन डिवी ने लिखा है, औपचारिक शिक्षा के बिना समाज के साधनों और उपलब्धियों का हस्तांतरण संभव नहीं है। यानी जब तक हम औपचारिक रूप से शिक्षा नहीं देंगे तब तक क्या होगा, जो समाज ने उपलब्धियां हासिल की है, जो हमारे यहाँ ज्ञान है, उसको हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति के द्वारा द्वार खोलता है जिसके द्वारा बालक दूसरों के साथ रह करके औपचारिक शिक्षा को प्राप्त नहीं करता है बल्कि विद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा किस शिक्षा को कहते हैं,
जब हम शिक्षा के व्यापक अर्थ की बात करते हैं तो हम उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, जिस जो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शिक्षा चलती है वो सब हमारी अनौपचारिक शिक्षा में आ जाती है, जिसको हम कहीं से भी ग्रहण कर लेते हैं। कोई निश्चित योजना नहीं होती है उसकी, कोई निश्चित समय नहीं होता है, और क्या कर जहाँ से भी हमने वो शिक्षा ग्रहण की वो सब क्या हो जाती है, हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। अनौपचारिक शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जो आकस्मिक तथा स्वाभाविक होती है। जरूरी नहीं है कि यह शिक्षा एक योजनाबद्ध तरीके से उसको किया जाए, कहीं से भी हम अकस्मात ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं। स्वाभाविक होती है, अपने स्वभाव द्वारा होती है। ऐसी शिक्षा में कोई निश्चित योजना नहीं होती है तथा उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियाँ, स्थान, समय व शिक्षक आदि पूर्व निश्चित नहीं होते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा में कृत्रिमता ला करके उसको तैयार किया जाता है शिक्षा के लिए, उस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी शिक्षण पद्धति, स्थान, समय आदि निश्चित नहीं होता है, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा का संबंध बालक के विकास से होता है, जिसके अंतर्गत बालक के आचरण को अप्रत्यक्ष व आकस्मिक ढंग से परिवर्तित किया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में परिवार, समाज, धर्म, राज्य, खेल का मैदान आदि सभी चीज स्वतंत्र वातावरण में बालक सीखता है इन सबसे, और उसके व्यवहार को अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा विकसित किया जाता है। जॉन डीवी के अनुसार बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है, और उस साथ रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य करती है। यानी बालक क्या करता है, जब दूसरों के साथ बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से रहते हुए वह दूसरे से ज्ञान ग्रहण कर लेता है, और कैसे करता है, वो साथ रहने की जो उसकी प्रक्रिया है उसी के कारण वो उस ज्ञान को ग्रहण करता है। इसके साथ उसकी कल्पना करने की उसको प्रेरणा मिलता है। इसके साथ साथ उसके विचारों में सजीवता तथा शुद्धता आती जाती है, ऐसा जॉन डीवी महोदय ने कहा है। शिक्षा के साधन में तीसरा साधन है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप होता है। यह शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा की भांति ही होती है, किंतु इसमें क्या है कि कोई सीमा में इसको नहीं बांधा जाता है। जैसे विद्यालय में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की सीमा में इसको नहीं बांधा जाता है। इसको क्या है कि व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार इस शिक्षा का को साधन के रूप में प्रदान किया जाता है। जैसे कोई जॉब करता है, वो रोजगार करता है और उसको शिक्षा की आवश्यकता है, तो वो उस के लिए क्या करता है, निरौपचारिक शिक्षा की सहायता लेता है। ये शिक्षा औपचारिक शिक्षा की भांति इसके उद्देश्य व पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके उद्देश्य व पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होते हैं, परंतु इसके लिए क्या होता है कि जैसे विद्यालय में निश्चित समय, निश्चित स्थान होता है कि इतने समय आपको पढ़ना है, समय सीमा बाध दी होती है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा में क्या है कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाई कर सकते हैं। जब हमको समय मिलेगा तब हम उस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। आपको सारा सिलेबस दे दिया जाता है, सारी विषय सामग्री दी दी जाती है कि आपको इस प्रकार से इससे पढ़ना है, बस जब आपको समय मिला तब आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। सीखने वाले की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है, यानी जो सीखने वाला है उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप इसको तैयार किया जाता है। इसके साधनों में रोजगार प्रदान करने वाले संस्थान, समाज कल्याण, अवकाशकालीन कार्यकलाप, पत्रिकाएं, चलचित्र, रेडियो व दूरदर्शन आदि सम्मिलित हैं। जैसे बात करें रोजगार प्रदान करने वाली संस्थाएं, जो रोजगार प्रदान करती हैं वो संस्थाएं, जैसे अभी आपके पीएम ने हमारे चलाया था कौशल विकास मिशन, उसमें क्या था
कि बच्चों को रोजगार के लिए तैयार किया जाता था, उनको रोजगार प्रदान किया जाता था तैयार करके। इसी प्रकार जब व्यक्ति अवकाश में है तो उसके समय का सदुपयोग करना सिखाया जाता है। इसको दूरदर्शन द्वारा हम ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार है तो जनसंचार निरौपचारिक शिक्षा का एक शक्तिशाली साधन है। इसके उदाहरणों में दूरवर्ती शिक्षा जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो सबसे अच्छा इसका उदाहरण है। दूरवर्ती शिक्षा को पत्राचार शिक्षा, गृह शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, मुक्त शिक्षा आदि नामों से भी हम जानते हैं। अब बात करें कि पत्राचार कोर्स का आरंभ कब हुआ, तो सर्वप्रथम भारत में पत्राचार कोर्स का आरंभ दिल्ली विश्वविद्यालय में 1961-62 में हुआ। 1982 में आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में स्थापित देश का पहला खुला विश्वविद्यालय था। 19 नवंबर 1985 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया। इस प्रकार पत्राचार के द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस निरौपचारिक शिक्षा को प्रदान किया जाता है। तीनों प्रकार की शिक्षाओं के साधनों के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है। तो औपचारिक शिक्षा के साधनों और अनौपचारिक शिक्षा के साधनों का अंतर आपके पेपर में पूछा जाता है। अभी तक हमने इतना जान लिया है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में कि अब आपको उसके अंतर बताने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, किंतु फिर भी हम क्या करते हैं एक नज़र में इसके अंतरों को देख लेते हैं। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये आपके पेपर में जरूर आता है, इसलिए इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। औपचारिक साधन और अनौपचारिक साधन में अंतर, ये साधन नियमित होते हैं, यानी जो औपचारिक शिक्षा के साधन है वो नियमित होते हैं, इनको नियमित रूप से बालकों को ज्ञान अर्जन कराया जाता है। जबकि ये इसके साधन अनियमित होते हैं, यानी इसका कोई नियम नहीं है कि नहीं इस टाइम आपको ये साधन शिक्षा लेनी है या ये इस साधन से आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, इसको आप अस्वाभाविक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। औपचारिक साधन जानबूझकर सुव्यवस्थित किए जाते हैं, जबकि अनौपचारिक साधन अव्यवस्थित होते हैं। औपचारिक साधन जो है हमारे उनको जानबूझकर, जैसा मैंने आपको बताया, कृत्रिमता लाई जाती है और उनको सुव्यवस्थित किया जाता है, विद्यालय का वातावरण बनाया जाता है, उसमें बालक को शिक्षा दी जाती है। जबकि जो आपका अनौपचारिक साधन है उसका कोई नियम नहीं होता है और उसके कोई व्यवस्थित साधन नहीं होते हैं, आप उसको जब चाहें जैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसके द्वारा बालकों के आचरण को जानबूझकर एवं सचेत होकर परिवर्तित किया जाता है। जानबूझकर हम जानते हैं कि हम बालक को विद्यालय भेजेंगे, उसको शिक्षित करेंगे और उसको एक अच्छा नागरिक बनाएंगे। जबकि अब इसमें अनौपचारिक शिक्षा में क्या होता है कि बालकों के आचरण को अप्रत्यक्ष रूप से और आकस्मिक रूप से परिवर्तित किया जाता है। उनका कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम नहीं होता है कि नहीं इनको हमको परिवर्तित करना है। औपचारिक साधन निर्धारित कार्यक्रम होता है, यानी जो औपचारिक साधन है हमारे वो पूर्व निर्धारित होते हैं, पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि ये कार्यक्रम ऐसे ऐसे बनेगा। अनौपचारिक साधन पूर्व नियोजित नहीं होते हैं, इनका कोई पूर्व नियोजन नहीं किया जाता है, ये आकस्मिक ही घट जाते हैं। इनके अपने नियम एवं निर्धारित कार्यक्रम होते हैं, जबकि अनौपचारिक साधन के कोई निर्धारित नियम नहीं होते हैं, ना ही इनकी कोई अपनी नियमावली होती है। जैसे हम विद्यालय जाते हैं तो वहाँ भी क्या होते हैं, हमारे नियम होता है, कार्यक्रम निर्धारित होता है, एक टाइम टेबल बना होता है, उसके अनुसार शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अनौपचारिक साधन में क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप जब चाहे जैसे चाहे अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं बिना किसी नियमों के अनुसार। ये प्रत्यक्ष साधन है, यानी जो हमारे औपचारिक साधन है वो प्रत्यक्ष है, हमको पता है, वो हमको दिख रहा है, और इनके द्वारा बालक के आचरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया जाता है, जानबूझकर बालक के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। जबकि हमारे अनौपचारिक साधन परोक्ष साधन है, क्योंकि ये बालक के आचरण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। ये साधन कृत्रिम एवं अस्वाभाविक है, क्योंकि इनके द्वारा बालक की स्वतंत्रता को अपने नियमों एवं दंड विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है।
क्यों ये कृत्रिम है? जब हमने आपको औपचारिक शिक्षा पढ़ाई तो मैंने आपको पढ़ाया कि ये एक कृत्रिम शिक्षा है, इसका वातावरण कृत्रिमता लाई जाती है और तैयार किया जाता है कि बालक को हमें शिक्षा देनी है। और इसके बाद भी क्या है, जो बालक की स्वतंत्रता है उसको हम नियमित कंट्रोलिंग पावर लाते हैं। अगर वो सीधे से नहीं मानना तो उसको दंड के द्वारा हम उसको संभालने का प्रयास करते हैं। इस द्वारा इसके जो नियम है वो निर्धारित है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा जो है इसमें कोई भी ऐसा प्राविधान नहीं है कि हम अगर बालक नहीं सीख रहा तो उसको दंड देंगे या बालक के कोई नियम हमने बना रखा है कि ऐसा करना है। उसमें क्या है, स्वाभाविक एवं रोचक है ये साधन। कैसे स्वाभाविक एवं रोचक? क्योंकि इनके द्वारा बालकों की स्वतंत्रता को नियंत्रित नहीं किया जाता है। क्यों स्वाभाविक और रोचक क्यों है? क्योंकि बालक अपने स्वभाव के द्वारा रोचकता से अपनी रुचि के अनुसार उनको सीख लेता है, जबकि और ना ही उसकी स्वतंत्रता को कोई नियंत्रित करता है, वो जैसे चाहे वैसे सीख सकता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। आज हमने अपनी क्लास में औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जान लिया, उसके अंतर के बारे में जान लिया, निरौपचारिक शिक्षा के बारे में जान लिया। आगे जाए।